का अचार डालूंगी। अच्छे से बॉईल कर लिया था, अब टॉप आपको दिख रहा होगा ये अचार अगर आप बना रहे हैं। हाँ ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, ये मेरी मिर्ची, इसको मैंने सारी मिर्ची भर ली है, ये 1 किलो का इसमें आ गई पूरी अच्छे से। दिन बाद से खाने में अच्छा लगने लगा, ज्यादा गली रहे आप अच्छे से भरिए। ये मैंने धूप में रख दिया अचार, इन्हें पापा और बेटी सब किया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और अभी है मॉर्निंग, हो गए 12:30 और अनायक स्कूल से आ गई है और बैठ के इधर मस्ती कर रही है। और आज का ब्लॉग मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया क्योंकि आज मैंने किया है बहुत सारा काम। आज मैं कर रही थी अचार की तैयारी, डाल रही हूँ आंवले और मिर्ची का अचार, आपको दिखा देती हूँ मैं। मेरी मिर्ची का अचार डालूंगी, इसको मैंने धो के पोंछ के सुखाने रखा है धूप में। यह है आंवला, आंवले को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। आप पहले पानी वो कर लो बॉईल, मतलब पानी खौला लो, खौल जाता है ना पानी, उसके बाद आप इसमें डाल दो 5 मिनट के लिए और फिर उसको एक एक टुकड़े अलग करके धूप में सुखाने के लिए रख दो। अभी सुखाने के लिए रखा हुआ, अभी थोड़ा सा हल्का सा इसमें पानी और है, आधा घंटा रखा रहेगा फिर डालूंगी इसका अचार। तो आपको दिखाती हूँ रेसिपी। मेरा कुरियर आया है आज, दिखाती हूँ मैंने कुरियर में क्या मंगाया आपके लिए। कुछ ड्रेस मंगाई है मैंने मीशो से, दिखाऊंगी आपको। ये यहाँ सर्दी ज़्यादा हो गई है तो इसलिए मेरे को रजाई निकालनी थी, इसके डैडू एक पे पंखा चला लेते रात में, उन्हें गर्मी लगती है, अनाया के लिए ठंड ज़्यादा है, उस चक्कर में रजाई निकाल दी मैंने धूप लगाने के लिए। रजाई का कवर है ये ब्लू ब्लू, उस पर भी कवर है, इस पर भी कवर है, इसे डालूंगी दूसरी रजाई में। भी रजाई नहीं निकाली, कवर निकाल लिया, धूप लगा रही हूँ। धो के मैं ऑलरेडी जब सीजन जाता है तो धो के ही रख देती हूँ, पैक करके अच्छे से फिर निकालती हूँ, धूप लगा के यूज़ करते हैं। क्योंकि मेरे पाल में ऑयल वाइल हो रखा है एक्चुअली, इतना अभी थोड़ा ठंड आ गई तो डैंड्रफ टाइप हो जाता, तो लगा लिया मैंने ऑयल। इवनिंग में वॉश करूंगी मैं अपने हेयर को। और अनाया को भी आज आई थी स्कूल से, मैंने ऑयलिंग कर दी है, दिखाओ अनाया, इसको भी ऑयलिंग कर दी, खुद भी ऑयलिंग की है मैंने। और इसको तो मैं कल इसकी हेयर वॉश करूंगी क्योंकि सुबह गई थी तो इसके पापा ने इसे सुबह तो ये नहा लिया था, अभी शाम को नहलाऊंगी तो पड़ जाएगी बीमार, तो इसलिए अब मैं ही अपने हेयर वॉश कर लूँगी शाम के टाइम। अभी आज बहुत काम है, पहले अपना सारा काम कर लेती हूँ आज। ये है कोरियर, आपको दिखाती हूँ खोल के कोरियर में क्या आया है। आया था मैंने अपने लिए ट्रैक सूट टाइप का है और लोवर है, टॉप एंड बॉटम सेट है पूरा, ऊपर आई थिंक क्रॉप टॉप होगा, नीचे लोवर होगा, आपको खोल के दिखाती हूँ मैं। ये है क्रॉप टॉप, आपको दिख रहा होगा ये, और ये है इसका लोवर, बट मुझे लग रहा है आई थिंक किसी कस्टमर ने ना पहन के इसे रिटर्न किया है। देखिए इसमें ना ये ब्लैक लगा हुआ स्पॉट, जैसे डाई नहीं होते हम सर पे करते हैं ब्लैक कलर की, उस टाइप का एक ये देखो दो जगह। क्वालिटी तो इसकी अच्छी है, काफ़ी अच्छा है, बट ये इन लोगों ने लगता है किसी का ना किसी ने कोई वैसा सेकंड पीस या पुराना कोई पीस भेजा है। बाकी तो मुझे अच्छा लगा तो रिटर्न में डाल दूंगी, बाकी अगर नहीं आया रिटर्न में अच्छा तो फिर मैं इससे रिफंड लूँगी। बाकी साइज़ वगैरह तो मुझे ठीक लग रहा है, पहन के देखती हूँ मैं, डालूंगी फाइनली रिटर्न में क्योंकि मुझे ना इसका साइज भी कुछ समझ में नहीं आया। डबल एक्सल मंगाया था बट ये थोड़ा टाइट ही है, इससे पहले मैंने एक और ऐसा मंगाया जो आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, उसका साइज परफेक्ट था और ये कुछ डिफेक्टेड भी है, इसको मैं रिटर्न ही कर दूंगी। अब फाइनली मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है, अनाया का नहीं किया, ये देखो अनाया इसको मॉर्निंग में, अभी थोड़ा हो गया है 2 बज रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ इसको कल मॉर्निंग में हेयर वॉश करूंगी इसका, क्योंकि सुबह तो इसे नहा लिया तो बीमार पड़ जाएगी। और मैंने सोचा पहले हेयर वॉश वगैरह कर लेती हूँ, सारा काम मैंने कर लिया उसके बाद ही डालूंगी अचार। तो अब फटाफट अचार की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, आज मैं डालूंगी 2 अचार, एक मिर्ची का और एक आंवले का। उसके बाद नीचे जाऊंगी थोड़ा अपना आईब्रो वगैरह भी ठीक करा के आऊंगी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत टाइम हो गया मैंने करवाई भी नहीं, मैं आईब्रो करवाती नहीं हूँ, जब तक कहीं जाना ना हो तब तक मैं करवाती नहीं हूँ, जब एकदम लगता है कि हाँ करवा लेना चाहिए तब करवाती हूँ। तो चलिए अब कर लेते हैं अचार की प्रिपरेशन, दिखाती हूँ आपको मैं कैसे डालती हूँ। आपको दिखा देती हूँ मॉर्निंग में मैंने क्या बनाया था लंच में, जो इनको बना के दिया था, पालक का साग, पालक सरसों और थोड़ा सा बथुआ डाला उसका साग, ये मैंने बनाई है, उसकी मूली और मूली की जो भुजिया बनती है मूली और उसके पत्तों के साथ में बनाया था मैंने, बथुए का रायता, राइस, अनाया और मैं लंच कर चुके हैं और साथ में बनाए थे बथुए के पराठे, टमाटर प्याज लहसुन की चटनी, और मैंने इनको लंच पैक करके दे दिया था। सुबह इतनी जल्दी में थी कि मैं वो ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाई, तो अभी बता रही हूँ मैं आप लोगों को। मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें डालूंगी मैं सरसों, ये मेरे पास रखी हुई है पिसी सरसों, और ध्यान रखिए बर्तन एकदम सूखा हो, थोड़ा भी गीला हुआ है नमी हुई तो अचार खराब हो जाएगा, तो इसमें डाल दूंगी मैं ये सरसों, सारी सरसों डाल लेती हूँ क्योंकि मुझे आंवले और मिर्ची का बनाना है, तो आई थिंक पूरी सरसों लग जाएगी, थोड़ी इसमें और है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सौंफ, नमक और हल्दी, जब मैं मिर्ची में डाल दूँगी उसके बाद मैं ऐड करूँगी रेड मिर्ची आंवले के अचार के लिए। तो अभी पहले मैं इसमें डाल लेती हूँ हल्दी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ी ही डालनी है। अब डाल लेते हैं हम इसमें नमक,
नमक डालूंगी आई थिंक, मैंने डाला है 2.5 चम्मच, थोड़ा और डाल लेती हूँ क्योंकि नमक। उसके बाद डालेंगे हम इसमें सौंफ। सौंफ आप चाहे तो अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम डालें या ज़्यादा डालें, मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है तो थोड़ी सी ज़्यादा डालूंगी। और इसमें अब हम डालेंगे हल्दी हो गया, नमक हो गया, सौंफ हो गया, 3 चीज़ हमने डाली हैं। और हम डालेंगे इसमें ऑयल, जो आपका सरसों का तेल होता है वो, बस ये हो जाएगा। मैं मिर्ची का चोचा डालेंगे उसका मसाला, जब हम मिर्ची भर लेंगे उसके बाद इसमें रेड मिर्ची ऐड करके डाल देंगे आंवले के अचार में। तो मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ सरसों का तेल, ये डालिए मैंने इसमें तेल। तेल इतना ही डालना है कि जब आप ऐसे करें तो मुट्ठी बन जाए, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं डालना है। इसको अच्छे से हाथ से मिला लेंगे अचार। अगर आप बना रहे हैं हाथ तो गंदे होंगे, अगर आप सोच रहे हैं आप किसी चीज़ से मिला लें। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ पहले। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, ये देखिए ये बस इतना ही होना चाहिए ऑयल, इससे ज़्यादा आप सरसों का तेल नहीं डालिए नहीं तो ख़राब हो जाएगा अचार। अब मैं इसको डाल लेती हूँ मिर्ची में, पहले मिर्ची भर लेती हूँ फटाफट। नहीं मेरी मिर्ची, इसको मैंने धो के कपड़े से पोंछ के अच्छे से सुखा लिया। अब मैं इसको बीच से इस तरह बीच से काट लेती हूँ फटाफट ऐसे ही। ये देखिए मिर्ची है, इसको हम बीच से ऐसे काट लेंगे। और ये ब्लॉगिंग कर रही है अनाया, मेरी हेल्प कर रही है, ये देखिए इसके हम बीच में चोचनी निकालेंगे, बस इसी में मसाला भर लेंगे। तो इस तरह देखिए एक और काट के दिखा देती हूँ, ये देखिए। अब मैं फटाफट सारी मिर्चियाँ काट लेती हूँ। मिर्ची देखिए एक एक मैंने काट ली है सारी इस तरीके से बीच से, सारी मिर्ची बस इस तरीके से ही काट लेनी है आपको। अब मैं इनमें मसाला भर लेती हूँ फटाफट। अब ये देखिए ये मसाला है, हम इसको भर लेंगे मिर्ची में, इस तरह भरते जाइए मिर्ची में और अच्छे से भरिए ऐसे ऐसे दबा दबा के, ठीक है। ये देखिए हमारी एक मिर्ची भर गई है, ये अपनी ये दूसरी मिर्ची। आप जब मिर्ची का अचार डालें तो एक चीज़ याद रखना, जब ये मिर्ची लेके आएँ तो मिर्ची को एक बार मतलब देख ले, अगर उनमें से कोई एक मिर्ची कटी फटी है या चोटिल है या कुछ है तो उसमें मरना डाले, अचार खराब हो जाएगा। ये देखिए एक और भर के दिखा देती हूँ आपको, अच्छे से दबा दबा के भरना है, कंजूसी नहीं करनी है मसाला भरने में। ये देखिए ये हो गया, अब इसको मैं फटाफट जल्दी से सारा भर लेती हूँ। ये देखिए मैंने अपनी सारी मिर्ची भर ली है, मिर्ची भर के मेरी फिनिश हो गई है। मैं इनको धीरे धीरे डिब्बे में लगा लेती हूँ। इसे मैंने साफ कर लिया है और अच्छे से सुखा लिया है। आप डिब्बे को साफ करिए, अच्छे से सुखाइए, मिर्ची लगाइए ऐसे नहीं, एक एक मिर्ची अच्छे से प्यार से लगाइए। पहले जो अचार डालती थी मेरी दादी नानी, वो जो अचार डालती हैं मेरी दादी डालती थी, उन्हीं की रेसिपी है, मेरी मम्मी डालती है। सवार आई थी, मैंने पूछा था एक बार, और मैंने डाला था, और मुझे जो भाया जो पुराने अचार पड़ते थे वो जो अचार है उनका टेस्ट कहीं नहीं मिलता, मार्केट से कहीं से भी ले आओ, लेकिन जो खुद का घर का अचार होता है या आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हो, दादी हो, नानी हो, उनसे पूछो। मेरी तो मम्मी को आता है अचार डालना, तो मैंने तो अपनी मम्मी से पूछा तो उन्होंने बताया कैसे डालते हैं, तो मैंने उसी तरीके से डाल रही हूँ। बाकी अचार मेरी दादी डालती थी, बहुत टेस्टी लगता था। एक एक मिर्ची अच्छे से इसमें भर देंगे। अभी ये देखो आपको लग रहा है डिब्बा एकदम फुल है, बट अभी जब आप देखना धूप में रखोगे एक दो दिन में ये आधा हो जाएगा, मिर्ची कम हो जाएंगी थोड़ी सी। अभी मैं इसको लगा लेती हूँ डिब्बे में अच्छे से। फाइनली एक चीज़ अच्छी, आधे किलो मिर्ची का डाला है मैंने और डिब्बा ये 1 किलो का, इसमें आ गई पूरी अच्छी तरीके से। अब डाल लेती हूँ मैं आंवले का अचार। आंवले के अचार के लिए मैं इसमें 1 चम्मच लाल मिर्ची ऐड कर लूँगी, बस वही सेम मसाला। आप चाहे तो ये मसाले स्टोर करके रख सकते हैं, मसाला बनाइए 15 दिन तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसको बना के रख लो, जब भी आप मिर्ची जैसे अभी आप आधा किलो डाल दिया, फिर से लाए उसको, फिर से उसी मसाले को यूज़ करके डाल सकते हो। आधा किलो आंवले के लिए मसाला ज़्यादा है तो उसको आधा निकाल लूँगी, फिर इसमें मिर्ची ऐड करूँगी। यहाँ इसमें ज़्यादा मिर्ची ऐड नहीं करूँगी, मिर्ची वैसे भी हम लोग कम खाते हैं, बस इतनी सी थोड़ी सी हल्की सी मिर्ची डालूंगी बस। और इसको मिक्स करके आंवले के अचार में डालती हूँ, दिखाऊंगी आपको कैसे डालते हैं आंवले का अचार। तो ये रहे आंवले, ये रहा ये, इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेती हूँ मैं। एक सेकंड हिल रहा है, एक हाथ से ब्लॉगिंग करो एक से बनाओ, बड़ी मुश्किल होती है। ये देखिए मैंने मिर्ची मिला ली है। अब ये जो आंवले हैं एक साथ हम सारे आंवले इसमें डाल देंगे और हैंड से मिक्स कर देंगे, बस हो गया आंवले का अचार रेडी। दिखाती हूँ आपको आंवले, इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और इसको हम ऐसे हाथ से इस तरह मिला लेंगे ताकि एक ही आंवले में अच्छे से पूरा मसाला हो जाए।
अच्छा किया था मैंने आधा मसाला निकाल लिया क्योंकि ये भी थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन ठीक है, नहीं ज़्यादा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा मैंने निकाल लिया था। अचार वचार आप डालो, हाथ गंदे करनी पड़ेंगे। आप सोचो मैं स्पून से मिला लूँ, चम्मच से मिला लूँ, वो बात, वो मज़ा नहीं आता। इतना अच्छा स्मेल कर रहा है आंवले का अचार और मिर्ची का अचार भी। मुझे तो अब ये एक दो दिन बाद से ही खाने में अच्छा लगने लगे, ज़्यादा गल जाता है ये मिर्ची का अचार तो अच्छा नहीं लगता ये। और जो महक आ रही है अचार की, इतनी अच्छी आ रही है, आप लोग वीडियो में स्मेल, वो स्मेल कह रही, उसकी खुशबू तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ बना बहुत टेस्टी। आप भी ट्राई कर सकिए, बनाइए, और अगर आप ट्राई करें बनाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। और मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, हल्दी सौंफ, हल्दी आपको डालनी है डेढ़ दो चम्मच, आधे किलो के लिए दो चम्मच डालने, ढाई चम्मच तक बस, उससे ज़्यादा नहीं। सौंफ आप डाल सकते हैं 5-7 चम्मच अच्छे से, और नमक डालना है स्वाद अनुसार, और लाल मिर्ची आप अपने उससे डालना है, कोई नाप तोड़ नहीं है। सरसों आपको देख ही ली मिर्ची में कितनी डाली है, इसमें इतनी डालनी है बस अच्छे से। देखिए आंवले में ये हो जाए, कितने आंवले में बस अच्छे से ये हो जाए, जो कहते हैं ना एकदम लिपट जाए बस। अब ये हो गया, इसको भी भर लेती हूँ मैं डब्बे में। अब इसको भर रही हूँ मैं डिब्बे में, देखिए भर चुकी हूँ। धीरे धीरे आप अच्छे से भरिए, एक साथ उठा के मत भर दीजिए। अचार आप जितने प्यार से सावधानी से डालेंगे उतना ही अच्छा बनेगा और उतना ही लंबे समय तक चलेगा। ये नहीं कि आपने उठाया भगोना एक साथ डाल दिया, अच्छे अच्छे से धीरे से एक एक चीज। और ये जो मसाला थोड़ा बचा है इसको भी हम इसी के ऊपर डाल देंगे जब ये सारे आंवले भर लेंगे। और कुछ दिन में देखो ये हल्का हल्का सा पानी भी छोड़ेगा, बट ज़्यादा ये वैसा नहीं होगा। अब ये देखिए, ये हो गया आंवले का अचार, ये हो गया मेरा मिर्ची का अचार। अब मैं इसके ऊपर मसाला भर लेती हूँ। ये रहे फाइनली मेरे दोनों अचार, आंवले का अचार, मिर्ची का अचार। और आप इसको बन गया, ढक्कन लगा के धूप में रखिए और एक दो घंटे में, एक दो दिन बस हिलाते रहिए, बाकी कुछ नहीं करना है। आपका दो तीन दिन में अचार बनके रेडी। वैसे तो आप इसे कल से या परसों से भी खा सकते हैं, कच्चा भी अच्छा लगता है, बट दो दिन बाद तो आप खा ही सकते हैं इसको। ये मैंने मसाला जो ऊपर से डाला था डिब्बा हिला दिया पूरा, इसमें अच्छे से मिल गया। अब मैं इसको ले जा कर रख दूँगी धूप में, और हो गया है मेरा ये अचार रेडी। और दोनों डिब्बे मैंने कंटेनर कोई स्पेशल नहीं लिए हैं, जो घर में ही रखे हुए थे खाली थे वही मैंने यूज़ कर लिए हैं। और ऐसा मोस्टली सब लोग अपने अपने घर में करते ही होंगे। और ये किस चीज़ के डिब्बे हैं वो मैं आपको इसकी डिटेल आपको बना, इसका भी ब्लॉग बनाऊंगी डिटेल में, क्योंकि काफ़ी यूज़फुल डिब्बे हैं और यूज़ करती हूँ मैंने। आपको कई बार मैंने बोला है प्रोटीन प्रोटीन, तो उसी चीज़ के डिब्बे हैं। बाकी चलो इसको ले जा कर रख देते हैं धूप में। फाइनली मेरा अचार पड़ गया, जा रही हूँ इसे धूप में रख लूँ। धूप में रख देती हूँ, वैसे तो मेरी बाल करने में खास धूप कुछ आती नहीं है, लेकिन फिर भी धूप नहीं आती, लेकिन रहता है ना हल्की हल्की गर्माहट रहती है, तो उसमें वहाँ रख दूंगी। कल ले जा कर रख दूंगी बाहर सीढ़ियों पे धूप में। और अभी डालते डालते अचार बज गए हैं ढाई, और वैसे भी आज धूप कम निकली थी, ठंड का टाइम है, जो भी है उसमें रख देती हूँ मैं उसे। मैंने धूप में रख दी अचार, इन्हें लग जाएगी धूप, लगने देती हूँ थोड़ी देर। और शाम को इसको जैसे ही ठंडा होने लगे, ओस पड़ने लगे, उठा के अंदर रख लेना है, ओस में नहीं छोड़ना, नहीं तो खराब हो जाएगा। और ये एक डिब्बा जो अचार का, ये भी मैंने धो लिया था, अब अचार दोबारा डालूंगी, वो उसमें रख दूंगी। बस हो गया हमारा अचार का काम खत्म। थोड़ी देर जाऊंगी, रेस्ट करूंगी, अनाया को थोड़ा जो इसकी मैम ने स्कूल में होमवर्क वगैरह दिया होगा वो करवाऊंगी, थोड़ा पढ़ाऊंगी। और फाइनली अचार मेरा बन गया, आप देखते हो, टेस्ट करूंगी दो दिन बाद, तब बताऊंगी आपको कि कैसा बना। बाकी रिव्यू देंगे मेरे हस्बैंड, वही बताएंगे अचार कैसा बना, वो टेस्ट करेंगे। अचार उठा के मैंने अंदर रख दिए हैं यहाँ पे, ये अब हो गया है अंधेरा, थोड़ा ओस पड़ रही है तो अंदर रख दिए, सेफ रहेंगे। बाकी अब हो गई शाम, बजे हैं 5:45 के करीब हो रहे हैं, और बाहर एकदम अंधेरा हो गया, आपको दिखा देती हूँ, एकदम अंधेरा हो गया 5:45 बजे, ये हाल है बताओ। 5:15 के बाद तो अंधेरा होने लगता है, 4:30 से 5 बजे तक थोड़ा रहता है दिन, फिर 5 बजे से तो अंधेरा होने लग जाता है सर्दियों में। बना के पी लेती हूँ अपना प्रोटीन, जो पीती हूँ मैं, क्या पीती हूँ हमेशा बोलती रहती हूँ, उसका ब्लॉग मैं बनाऊंगी डिटेल में। और एक साथ मॉर्निंग से लेकर मतलब रात तक का पूरा रूटीन दिखाऊंगी आपको। और आज जाना था आईब्रो बनवाने, जा नहीं पाई, अब देखो आज जाना है, मेरे हस्बैंड आएंगे नीचे जाएंगे अगर हम घूमने, तो 5 मिनट में वही बनवा लूंगी, बाकी अकेले तो मैं जा नहीं पाई। क्या बोल रही हो तुम, क्यों डरपोक क्यों मम्मा? अगर आप मेरा ब्लॉग देखेंगे
कल वाला जिसमें मेला गए थे उसमें सारे इसने झूले एक से बढ़कर एक से बड़ा वाला आसमानी झूला जो ऊपर जाता है सब इसने किए रेडू के साथ। और कह रही है मुझे और करना है, डर नहीं लगा। मुझे डर लगता, मैं गई नहीं तो मैं एक ही पे गई बस रियल वाले पे। तो मुझसे कह रही है डरपोक से एक ही झूला करती हो, है ना? डरपोक बोल रही है मेरे को, ये फॉरनर डरपोक बोलती है। तू है अब अनाया और अनाया की मम्मा बैठ के क्या करेंगे? मस्ती थोड़ी देर देखेंगे टीवी, मस्ती। दोपहर में थोड़ा रेस्ट कर लिया था, आज इन्हें ट्यूशन जाना नहीं है। इनकी ट्यूशन की छुट्टी 2-3 डेज की, 4 डेज की छुट्टी है ट्यूशन की। मैम उसकी कहीं जा रही है और सैटरडे संडे स्कूल की छुट्टी रहती है, तो इसलिए आज ये बड़ी खुश है, मस्ती में है मैडम, है ना? ये देखो इसके डैडू आ गए हैं ऑफिस से। और कितना झूठ बोला इसने कि डैडू ने मुझे मारा है, तब से रो रही है बैठ के कि मुझे जाना अशु घर, मैंने रेडी कर दिया। ये उन्होंने बोला था आज मैं आधा घंटा थोड़ा लेट आऊंगा लेकिन चलेंगे। और ये देखो आधा घंटा लेट आया, फोन करो, इनका फोन लग नहीं रहा था, वो नहीं होगा सिग्नल वगैरह। और रो रो के रात इतना झूठ बोला कि मम्मा ने डांटा मारा है। क्यों रही, मम्मा ने डांटा है? झूठ बोल रही है, अब सच बताओ, डांटा? सच्ची बताओ डांटा? इतना सुंदर मम्मा ने तैयार कर दिया, तुम्हें रेडी किया है, अभी इसे कपड़े बदले, स्वेटर पहनाया था ना जो पूरा गीला करके बैठी थी पानी से, अभी मैंने फिर पहनाया ऐसे, मैंने मम्मा की पिट्टी कर दूंगा। मार तो मम्मा को, क्यों ना मारू, मम्मा ने आपको डांटा था, पीटू मम्मा को? बहुत मार दिया, बहुत मार दिया। प्यार भी है कानू को मम्मा से, ऐसी बात नहीं है बेटे। मम्मा कैसी है? गंदी है मम्मा, मजाक में किया था। देखो लड़की ने अपनी गलती कबूल ली थी, मतलब झूठ खुद कबूला। देखो तो मम्मा ने नहीं मारा था, हुई रहा इधर बोल, गाइस मैं झूठ बोल रहा था, गाइस मैं झूठ बोल रहा था। ये अनाया देखो खा रही है, सुबह बनाया था बथुए का रायता और राइस, वही खा रही है। शाम को इनकी डिमांड है कि अब रात को खाएंगी ये पास्ता। क्या खाओगी? पास्ता। हाँ उसकी रेसिपी शेयर करूंगी, ठीक है? ये देखो पापा और बेटी का प्यार। किसी कौन देगा? अरे यार खा लेने दो, किसी मुस्सी खा लो। नहीं 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 मैं प्यार। देखा पापा की साइड लेती है, कनेक्ट उस वाले पिट्टी हो जाएगी, पिट्टी हो जाएगी। लड़ती है पापा के लिए मुझसे फॉरेनर। बोल दो कानू, एक बार बोल दो, पार्टनर मुझे सिखाएगी। तू है क्या मेरे लिए? हो गई हूँ मैं रेडी, जा रही हूँ कानू के फ्रेंड के घर, आई मीन अनाया के फ्रेंड के घर, अर्शु के यहाँ। और ये तो खो आ गई, देखो कितनी जल्दी आई ब्लॉग में आने के लिए। देखो इसने पूरे दिन से रो रो के दिमाग खराब करके रखा था। कितना रो रही थी तुम? बहुत। जाना है ना, जाना है। और फोन कर रही है पापा जल्दी आ जाओ, उन्होंने बोल दिया थोड़ा आज मैं लेट आऊंगा काम है, तो रो रो के इसने हालत खराब कर दी कि आओ आओ, है ना? हाँ। चलो अब चलते हैं, ठीक है? और यहाँ मैं पहुँच गई हूँ अपनी फ्रेंड के घर। इनका लुक देखो, कोई मछुआरे नहीं होते, मछली पकड़ने जाते हैं। हेलो अभी बस भैया, मैं सुबह नहीं करते हूँ। और फाइनली हम लोग मेरे फ्रेंड्स के यहाँ से आ गए हैं
और वहाँ मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था और अब जा रहे हैं घर, है अभी लिफ्ट में। गुड नाइट, आज का ब्लॉग खत्म करती हूँ यहीं पे, आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ही ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस आज का ब्लॉग यहीं खत्म, पसंद आया तो कमेंट करें। मैंने ब्लॉग एंड कर दिया था बट आने के बाद अनाया को भूख लगी तो उसके लिए बनाया मैंने पास्ता, वाइट सॉस पास्ता, खा रही है तो मैंने छोटा सा क्लिप लिया उसका, कितने मज़े से खा के इंजॉय कर रही है वो। और बस इसी के साथ आज का ब्लॉग कर देती हूँ मैं एंड।